नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित रामनाथ धनंजय महिला पीजी कॉलेज में 29 तारीख को 8 लोगों की जांच कर किया गया था फैसिलिटी क्वारंटीन, जिसमें 8 लोगों की जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। तो 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव और 1 की पॉजिटिव आते ही क्षेत्र में हलचल मच गया है। पंकज राजभर पुत्र रोहित राजभर रानीपुर का रहने वाला है, जिसकी जाँच रिपोर्ट 29 तारीख को गोरखपुर लैब में भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 17 मई को पंकज राजभर मुंबई से आया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर जांच रिपोर्ट भेजकर फैसिलिटी क्वारंटीन में एक अलग कमरे में रखा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। अतः उसे चंडेश्वर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा दिनेश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने, आपको सुनवाते हैं। सर, जो आज रिपोर्ट आई हुई है, कितने लोग क्वारंटीन थे, कितने पॉजिटिव आए सर, कितने नेगेटिव आए सर? यहाँ रामनाथ धनंजय स्मारक महिला पीजी कॉलेज में 15 लोग फैसिलिटी क्वारंटीन में रखे गए हैं, जिसमें से एक लड़का 17 मई को बम्बई से आया था, जिसका नाम रोहित राजभर है, पंकज राजभर उसका नाम है, पिता रोहित राजभर है, रानीपुर का रहने वाला है। इसका आज रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। ये आने के साथ ही एक गलत कमरे में इसे खुद को क्वारंटीन रखा था, तबीयत खराब होने पे इसको कम्युनिटी क्वारंटीन में रखा गया। इसको आजमगढ़ में जिला अस्पताल से क्वारंटीन किया गया।